चलिए भाई, सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है आप सभी का टेक पाठशाला के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो सारे लोग जुड़ जाएंगे, सारे लोग, हाँ भाई, सारे लोग एक बार जुड़ जाएं, एक बार बताएं ऑडियो वीडियो प्रॉपर है तो सारे लोग जुड़ जाएंगे भाई, एक बार सारे लोग जुड़ जाएंगे, एक बार बताएं सारे लोग, वॉइस इज ऑडिबल, बताएंगे सारे लोग, जुड़ जाएंगे भाई सारे लोग। सभी का स्वागत, सभी का वेलकम, सभी का स्वागत है टेक पाठशाला के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। और आज सभी के लिए ये क्लास हमारी रहेगी, क्लास नंबर थर्ड, जिसमें कि आज हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि पिछले बार एग्जाम्स में, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और आई होप कि कुछ मैंने नए क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रेम किए हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और एग्जाम में आ भी सकते हैं भाई। तो एक बार जल्दी से सारे लोग बताएं भाई, एक बार कमेंट करेंगे सारे लोग, एक बार सारे लोग कमेंट करेंगे भाई, गुड इवनिंग करें, बताएं, वॉइस इज ऑडिबल। हाँ चलिए, तो जुड़ जाएंगे भाई सारे लोग, एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। एक बार सारे लोग भाई सेशन को शेयर कर देंगे भाई, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, सब लोगों को शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद भाई हम क्वेश्चन प्रैक्टिस यहां से करेंगे और क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे भाई। तो सारे लोग भाई एक बार बताएं मुझे और सेशन को शेयर कर दें, उसके बाद भाई क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ भाई, तो सारे लोग जुड़ जाएंगे भाई, सारे लोग यहाँ से जुड़ जाएंगे भाई। चलिए चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए वो रहा ये वाला, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और लगातार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, जनरल क्वेश्चन इसे कह सकते हैं, और अच्छा क्वेश्चन भी है, लगातार एग्जामों में आता भी रहता है। तो बताएं भाई, द स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ ए इंडियन ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक इज, तो इंडियन जो ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक है भाई, उसकी क्या बतानी है आपने। गुड इवनिंग सुबोध, यस ऑडिबल, गुड इवनिंग राहुल तलवान, योगेंद्र कटारिया, रोहित लोहानी, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, स्वागत आप सभी का। तो चलिए चलिए मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कमेंट करेंगे और कमेंट में आंसर कर देंगे भाई, आंसर कर देंगे भाई, पहले क्वेश्चन का आप लोग यहाँ से आंसर कर देंगे भाई। चलिए भाई स्टार्ट करें, पहला है 1670, दैट इज इन एमएम, ये यूनिट इसकी रहेगी एमएम, 762 एमएम और 1524 एमएम या फिर 1000 एमएम भाई। तो आंसर बताएं भाई क्वेश्चन नंबर वन का, इजी क्वेश्चन है, लगातार एग्जामों में पूछा जाता है भाई, तो इसका आंसर कर देंगे भाई, आप सारे लोग इसका आंसर करें बताइएगा। चलिए तो ए इसका आंसर कर रहे हैं, ए इसका आंसर कर रहे हैं बहुत सारे लोग, हाँ तो ए इसका आंसर कर रहे हैं। ये आपका क्या है भाई, ए इज द करेक्ट आंसर यहां से, ये आपका ब्रॉड गेज जो ट्रैक होता है भाई, ब्रॉड गेज जो ट्रैक होता है भाई, गेज डिस्टेंस क्या होती है भाई हमारी, जो हमारी रेल होती है भाई, रेल जो होती है इस टाइप से क्या है, हमारी जो रेल होती है भाई, इन दोनों रेल के बीच की जो रेलवे हमारा ट्रैक होता है, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, उनके बीच की जो ये वाली डिस्टेंस रहती है, इसे क्या कहते हैं भाई, गेज डिस्टेंस यहाँ पे हम लोग कहते हैं। तो अलग अलग जो हमारे ट्रैक होते हैं उन सभी के लिए अलग अलग जो है हमारी इनर फेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये आपका नैरो गेज के लिए है, नैरो गेज के लिए ये वैल्यू आपकी क्या है, मीटर गेज के लिए है, और ये कुछ रॉन्ग वैल्यू है। एक आपका स्टैंडर्ड गेज होता है, उसकी वैल्यू 1400 समथिंग कह रहा हूँ, 1475 आई होप ये वैल्यू रहती है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, झमाझम क्वेश्चनों के साथ आज की शुरुआत, और जुड़ जाएंगे भाई। एक बार भाई सेशन को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। कल की जो वीडियो नंबर 2 है उसमें एक स्टूडेंट ने कमेंट किया है कि क्लोराइड की जो वैल्यू होती है भाई, आप लोग जो है आईएस कोड अगर आपको चाहिए है तो मैं आप लोगों के लिए आईएस कोड भेज दूंगा, उसमें जो आपका 10500-2012 है, परमिसिबल लिमिट जब वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होती उसमें 1000 रहता है भाई, उस कमेंट को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन है भाई हमारे विद्यार्थियों आप सभी के लिए, ये क्वेश्चन ये रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर,
क्या है फ्लड को कंट्रोल करने का स्ट्रक्चर इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपने बताना है भाई, तो जल्दी से बताएंगे भाई जी, आंसर कर देंगे सारे लोग यहां से, यहां से सारे लोग क्या है आंसर कर देंगे भाई, यहां से क्या है सारे लोग जो है आंसर कर देंगे कि कौन सा हमारा क्या है डिवाइस है जिसको हम फ्लड कंट्रोल के लिए प्रयोग नहीं करते हैं भाई। चलिए जी बताएं, सारे लोग बता देंगे भाई, सारे लोग इसका आंसर करेंगे भाई, बताएं भाई। डी ए झमाझम क्वेश्चन है ये, बारिश, बिल्कुल भाई, जैसे बारिश है वैसे ही क्या है ये भी क्वेश्चनों की बारिश है भाई, जैसे बाहर क्या है बरसात हो रही है वैसे ही ये क्या है भाई क्वेश्चनों की यहाँ पे बारिश है भाई। जी भाई मास्टर साहब नमस्कार जी, बिल्कुल नमस्कार, लड्डूकांत ब्लॉग बिल्कुल आपका स्वागत है भाई। हाँ शरद थलवाल ब्लॉग जो है यहाँ पे जुड़ गए हैं, हमारे परम प्रिय जो है मित्र हैं हमारे, तो विच सब सरफेस बैरियर या फिर ग्रॉइंस या फिर लीवेस या फिर डिटेंशन, जी बताएं, जी बताएं भाई इसका आंसर कर देंगे, बहुत दिनों बाद दिख रहे हैं। चलिए भाई बताएं भाई इसका आंसर, बी आंसर कर रहे हैं, डी आंसर कर रहे हैं जी, करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, ग्रॉइंस क्या होता है, ग्रॉइंस आपका क्या है हमारे जो क्या है जो हमारा फ्लड को रिटेन करने के लिए जो हमारे जो साइट्स होती हैं हमारी रिवर्स की उनको प्रोटेक्ट करने के लिए डिफ्लेक्टिंग ग्रोइन अटैच है ना, अट्रैक्टिंग या फिर रिपेलिंग ग्रोइन, इस टाइप के ग्रोइंस बनाए जाते हैं। लीवेज इसको क्या कहते हैं भाई, तटबंध जो है, तटबंध इसको हिंदी में कहा जाता है, ये भी क्या है प्रोटेक्ट करता है हमारा। और डिटेंशन क्या है, डिटेंशन मतलब इसको बाधा या फिर रुकावट कह सकते हैं, इसको क्या फिर रुकावट कह सकते हैं भाई, रुकावट है ना, तो ये भी क्या है एक तरीके से जो है फ्लड को रोकने के काम में प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा भाई सब सरफेस बैरियर, वो बैरियर जो सरफेस के नीचे है, तो सरफेस के नीचे जो बैरियर रहेगा भाई उसकी क्या आवश्यकता है फ्लड से बचाने के लिए, वो क्या ही हमारी फ्लड से हमें प्रोटेक्ट करेगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए वो ये रहा, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई कि व्हाट डज द ग्रुप ग्राउंड वाटर टेबल सिग्निफाई, कि मतलब जो आपका ग्राउंड वाटर टेबल है वो किस चीज को सिग्निफाई करता है, क्या वह बताता है। तो पहला जो इसका ऑप्शन है भाई, पहला ऑप्शन है कन्फाइंड जो है हमारा, इसको यहां से कर देंगे भाई एक्वीफर, कन्फाइंड एक्वीफर या फिर एक्विटार्ड या फिर अनकन्फाइंड एक्वीफर या फिर एक्यूफ्यूज है ना। चलिए तो सारे लोग इसका आंसर कर देंगे, अमित बहुगुणा जो है बहुत क्विक टाइम में जो है इसका रिप्लाई कर रहे हैं भाई जी, ए इसका आंसर किया है, राहुल कर्णवाल ने भी जो है इसका आंसर ए किया है भाई है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, किशोर चाइसर क्या है ये है ना, शुभम भट्ट इसका आंसर कर रहे हैं ए, और लोग करेंगे भाई, सारे लोग जो है आंसर करते रहेंगे भाई, सारे लोग क्या है आंसर करेंगे भाई जी बताएं। चलिए तो आप सारे लोग जो है इसका आंसर करते रहेंगे भाई, ए ए आंसर आ रहा है, और लोग कल्लू जो है थ्री थ्री इसका आंसर कर रहे हैं, थ्री अनकन्फाइंड एक्विफर, और लोगों ने क्या है भाई कन्फाइंड एक्विफर किया है। हाँ तो सारे लोग भाई इसका आंसर करेंगे, देखिए वाटर टेबल जो होता है भाई हमारा, वाटर टेबल क्या सिग्निफाई करता है भाई, बोला सर थ्री एट द रेट। हाँ तो जो वाटर टेबल होता है भाई, कन्फाइंड जो एक्वीफर होता है वो क्या होता है भाई, दो लेयर के बीच में क्या रहता है, कन्फाइंड रहता है। अनकन्फाइंड एक्वीफर इसे वाटर टेबल एक्वीफर के नाम से भी जाना जाता है, और जब हमारे वाटर टेबल क्या है सरफेस के नियर अराउंड रहता है तो इसे वाटर टेबल एक्वीफर या फिर अनकन्फाइंड एक्वीफर के नाम से भी जाना जाता है। इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा भाई, इस क्वेश्चन का अभी उठा ले मुझे, अरे भाई पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो भाई, अनकन्फाइंड एक्वीफर इसका आंसर रहेगा भाई मित्रों, और अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए कि एज पर
एज पर आईएस कोड 456 किसका कोड है, आरसीसी का, द डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस। बॉन्ड स्ट्रेस आपको पता है बॉन्ड स्ट्रेस की रिक्वायरमेंट क्या है, बॉन्ड बनाने के काम में आती है स्टील का कंक्रीट के साथ। इन लिमिट स्टेट मेथड फोर प्लेन बार्स इन टेंशन फोर M20 कंक्रीट इज, तो बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू बतानी है आपने प्लेन बार के केसेस में जी। चलिए तो इसका आंसर करेंगे भाई, डी इसका आंसर जो है लगातार आ रहा है, डी इसका आंसर क्या है आ रहा है। सारे लोग क्या करेंगे भाई, इसका आंसर यहां से कर देंगे भाई। तो लगातार जो है आंसर जो आ रहा है भाई वो आपका क्या है, डी जो है आंसर आ रहा है भाई। चलें भाई आंसर करेंगे, चले जी बताएं। चलिए चलिए भाई, तो डी इसका करेक्ट आंसर है, ए इसका आंसर नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, और डी इज द करेक्ट आंसर, जो कि आप में से सारे ही विद्यार्थियों ने लगभग जो है सही ही बताया है भाई। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई आप सभी के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ बिल्ट अप प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ विदाउट बींग डिसमेंटल्ड इज कॉल्ड। तो क्या है ये कह रहा है कि द एस्टिमेटेड वैल्यू, वो एस्टिमेटेड वैल्यू बताएं किसी बिल्टअप प्रॉपर्टी, जो बिल्टअप प्रॉपर्टी है हमने बनाई हुई है उसको विदाउट डिसमेंटल किए हुए उसकी जो वैल्यू बच जाती है उसे बताएं भाई, है ना, बताएं भाई। यूजफुल लाइफ मतलब लाइफ को पूरा यूज करने के बाद जो बच जाती है वैल्यू उसे बताएंगे भाई। चलिए जल्दी से बताएं भाई, जल्दी से बताएंगे यहां से। चलिए भाई कमेंट करेंगे, सिविल गुरुजी यहां पे आपका स्वागत है भाई। आयुष कमेंट कर रहे हैं, सुबोध भट्ट सी कर रहे हैं, तो जो है इसका बिल्कुल यहाँ पे जो इसका स्क्रैप वैल्यू क्या होती है भाई, इसे कहते हैं हिंदी में भाई रद्दी मूल्य। क्या कहते हैं, रद्दी मूल्य। रद्दी मूल्य का मतलब जो क्या है, बिल्कुल जो है डिसमेंटल करने के बाद जो वैल्यू बच जाती है। यहाँ पे बुल हो गया है, ये बुक वैल्यू है भाई, बुक वैल्यू वो वैल्यू होती है जो मार्केट वैल्यू वो वैल्यू होती है जो करंटली मार्केट में किसी प्रॉपर्टी या किसी मटीरियल की चल रही है। अगला साल्वेज वैल्यू क्या होती है भाई, साल्वेज वैल्यू इसका करेक्ट आंसर है। साल्वेज वैल्यू क्या है, विदाउट बीइंग डिसमेंटल, प्रॉपर्टी को बिना डिसमेंटल किए हुए जो वैल्यू रहती है उसे भाई साल्वेज वैल्यू कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ए सॉइल सैंपल। अब ये कह रहा है कि एक सॉइल सैंपल हैज वाटर कंटेंट, इस क्वेश्चन में क्या है वाटर कंटेंट जो है आपको दे दिया है, कितना है भाई 10% एंड वॉइड रेशियो कितना दिया है भाई 0.5%, स्पेसिफिक ग्रेविटी दैट इज जी की वैल्यू दे दी है 2.70, तो डिटरमाइन करना है भाई डिग्री ऑफ सेचुरेशन। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है भाई, चलिए इसका आंसर करेंगे उसके बाद हम इसका आंसर बताएंगे, बताएं। तो जितने लोग भाई अभी कमेंट से जो वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जो पहली बार हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं भाई, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो भाई जरूर लाइक जरूर सारे लोग करें, और साथ ही साथ में क्या है शेयर भी करते चले भाई, साथ ही साथ में क्या है भाई इस सेशन को शेयर भी करते चले। हाँ तो इसके लिए क्या है भाई, सहवाग जो एक फॉर्मूला है भाई, क्या है भाई सहवाग वाला फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला, वीरेंद्र सहवाग, विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, और इससे इजीली क्या है इसकी डिग्री ऑफ सेचुरेशन की वैल्यू निकल के आ जाएगी भाई। तो एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, 10 × 2.70 डिवाइड बाई 0.5, और इसको आप 1/2 भी लिख सकते हैं, तो ये ऊपर चले जाएगा यहाँ से, और इसका आंसर जो है आप सारे लोग यहाँ से बता देंगे 0.10, सॉरी मैंने 10 लिखा है, 0.10 हो जाएगा भाई। इसको मैं यहाँ से इरेज कर लेता हूँ, 0.5 ये वैल्यू हमारी रहेगी, तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कर देंगे भाई। चलिए उप्रेति जी गुड इवनिंग, लेट हो गया, जो शेयर होगा वही शेयर करेगा, बिल्कुल जो शेयर होगा वही क्या करेगा भाई शेयर करेगा। तो इसका क्वेश्चन का भाई आंसर कर दीजिए जल्दी से, हाँ आंसर कर दीजिए भाई, सारे लोग इसका आंसर कर देंगे
यहां से मैं भी तब तक क्या आप लोगों के लिए आंसर निकाल लेता हूं। चले तो इसका करेक्ट आंसर भाई सी, इसका करेक्ट आंसर रहेगा 0.54 इज द करेक्ट आंसर, 0.54 इज द करेक्ट आंसर क्या है जो इसका सही उत्तर है सी, इसका बिल्कुल क्या है भाई सही उत्तर रहेगा भाई। कुलदीप चौहान आज की क्लास में लेट हो चुके हैं भाई, आप लोग क्या है लेट हो चुके हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग टेलीस्कोप, जो हमारा टेलीस्कोप रहता है भाई थियोडोलाइट में जो टेलीस्कोप रहता है ना, इन द वर्टिकल प्लेन थ्रू 180 डिग्री अबाउट द ट्रूनियन एक्सेस इज कॉल्ड, तो क्या है ट्रूनियन एक्सेस के अबाउट आपने क्या है वर्टिकल प्लेन में जो रोटेशन दिया जाता है, बहुत ही इजी सा क्या है ये क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है बहुत क्विकेस्ट जो है आप लोग इसका आंसर करेंगे, आई होप मुझे उम्मीद है भाई। तो सारे लोग जुड़े भाई है ना भाई, सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके जो फ्रेंड लोग हैं उनको मदद मिले आने वाले एग्जाम में। बिल्कुल स्ट्रगल इसका आंसर कर रहे हैं, रितु राणा डी कर रहे हैं भाई, कोई स्विंगिंग कह रहा है। शुभम मुझे एक बात बताइए सर, ये न्यूमेरिकल कैसे करेंगे हम विदाउट कैलकुलेटर एंड प्लीज, कौन से न्यूमेरिकल भाई? भाई आप लोग क्या कीजिए, विदाउट कैलकुलेटर आप प्रैक्टिस करिए है ना, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है भाई। आप क्या कीजिए, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उनको एक एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और टाइमर लगा दीजिएगा, टाइम वॉच से आप देखें इन क्वेश्चनों को, आप जो है 20 से 25 जो है सेकंड में सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी जो है आपके क्या है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की जो है इफिशियंसी बढ़ पाएगी भाई, इसका कोई अदर सॉल्यूशन नहीं है, है ना। तो आप कैलकुलेटर का यूज करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। हाँ नहीं छोड़ना नहीं है भाई, इन्हीं क्वेश्चन से जो है आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं भाई, इन्हीं क्वेश्चन से क्या है भाई दोस्तों सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं भाई। चलिए तो सी इसका बोल रहे हैं बहुत सारे बच्चे। लेवलिंग क्या है, लेवलिंग तो सरफेस के अराउंड अबाउट क्या है इक्वल करना लेवलिंग कहा जाता है, सेंटरिंग जो आपका पॉइंट है भाई सीट का उसको ग्राउंड में ट्रांसफर करना सेंटरिंग कहा जाता है, और स्विंगिंग क्या है रोटेशन इन अबाउट द वर्टिकल प्लेन के अबाउट, जब आप हॉरिजेंटल प्लेन में क्या है रोटेशन देंगे तो उसे स्विंगिंग कहा जाता है, और जो ट्रांजिटिंग कहा जाता है भाई, ट्रांजिटिंग कहा जाता है रोटेशन किस प्लेन में वर्टिकल प्लेन में अबाउट किसके, तो इस टाइप से, तो ये आपका हॉरिजेंटल प्लेन है भाई, हॉरिजेंटल प्लेन के अबाउट क्या है रोटेशन देना है किस में वर्टिकल प्लेन में, तो इसी अकॉर्डिंग थियोडोलाइट के नाम भी सेट किए जाते हैं। चलिए स्वागत है आप सभी का, जो लोग अब जुड़ रहे हैं भाई सेशन से वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में शेयर भी करते चलिएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन यहां से आप सभी के लिए, अगला क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज, और ये पैट क्वेश्चन है मेरे मित्रों, ये क्वेश्चन क्या है भाई बहुत सारे एग्जामों का पैट क्वेश्चन है भाई, लगातार पूछा जाता है, झमाझम ये क्वेश्चन जो है आयोग क्या है उठा देते हैं और इस क्वेश्चन को क्या है फ्रेम कर देते हैं भाई। चलिए जी बताएंगे सारे लोग, सारे लोग क्या है इस सेशन का बताएं भाई, इस क्वेश्चन का साइमंस टाइप या फिर फ्लॉट टाइप या फिर बेगिंग बकेट टाइप या फिर टिपिंग बकेट टाइप जो है इसका आंसर करेंगे। ए जो है सारे लोग जो है इसका, कालू तुम धामी के सलाहकार तो नहीं? नहीं भाई ये जो है क्या है सर, आज हैंडसम लग रहे हैं आप, अच्छा थैंक यू भाई है ना, धन्यवाद आपका है ना। चलिए जो है ये आप हमारी तारीफ कर रहे हैं तो इस बात के लिए धन्यवाद। ए इसका करेक्ट आंसर है भाई, इसका जो सही उत्तर है भाई, हाँ इसका जो सही उत्तर है ए इसका बिल्कुल क्या है सही उत्तर है, बाकी जो हमारे ये बच जाते हैं भाई टिपिंग बकेट हो गया या फिर फ्लो टाइप हो गया, ये क्या है भाई ये रिकॉर्डिंग टाइप, इसको नोट डाउन कर लें, ये नॉन रिकॉर्डिंग टाइप है भाई, ये नॉन रिकॉर्डिंग टाइप है, रिकॉर्डिंग टाइप है भाई, और ये क्या है आपका रिकॉर्डिंग टाइप जो है, रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज है, ये कौन सा है भाई रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज है। चलिए चलिए भाई मित्रों अगला क्वेश्चन, चलिए भाई चलिए बताएं मेरे प्यारे परम प्रिय विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन का आप लोग आंसर करेंगे। एक कैंटिलीवर बीम इज लोडेड विद ए यूडीएल ऑफ 10 किलो न्यूटन पर मीटर के, क्या है यूडीएल के साथ लोडेड है, व्हाट इज द मैक्सिमम मूवमेंट एट
फिक्स्ड एंड इज, तो फिक्स एंड में मैक्सिमम आपने क्या बताना है, यहाँ पे मूवमेंट बता देना है। यहाँ पे आपने क्या है कि एक कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पे ये लोडेड है भाई, ये लोडेड है कितने लोड की इंटेंसिटी से, 10 किलो न्यूटन पर मीटर, क्या है लोडिंग इंटेंसिटी के साथ लोडेड है। तो क्या बताना है आपने कि इस वाले पोर्शन पे मूवमेंट की वैल्यू बतानी है। इजी क्वेश्चन है भाई, इजी क्वेश्चन है। डी कुछ लोग आंसर कर रहे हैं इस क्वेश्चन का, डी कुछ लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, बट उनके दिमाग में थोड़ा डाउट मुझे नजर आता है कि उन लोगों ने कुछ चीज भूल ली है भाई, कुछ चीज क्या है उन्होंने मिस यहां पे कर ली है भाई। चले भाई आंसर कर देंगे सारे लोग, डी इसका आंसर कर रहे हैं, और लोग भी बताएं, सारे लोग आंसर करें। चलिए कुछ लोग अब सी पे आ चुके हैं, हाँ और लोग भी करते रहिए भाई, और लोग भी क्या है इसका आंसर यहां से करते रहेंगे। चलिए और लोग भी क्या है इसका आंसर यहां से करते रहेंगे भाई। चलिए मैं ई मरूंगा, अब मैं सी डी नन ऑफ द एबव भाई बताएं, ये नन ऑफ द एबव कौन कर रहे हैं भाई, मुकेश कुड़ियाल जी है ना, बताएं नन ऑफ द एबव जो है भाई क्वेश्चन में है ही नहीं, आप लोग जो है नन ऑफ द एबव बता रहे हैं, बताएं। चलिए इसको अगर सिंपली हम सॉल्व करें तो यहाँ पे कट एक सेक्शन कर देंगे और यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे आप क्या सेक्शन को कट करके ले लेंगे, तो इसका सीजी ऑफ द एरिया क्या हो जाएगा भाई, एल डब्ल्यू इंटू एल है ना, इंटू एल बाई टू, तो एल स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये जाएगा भाई कितना, 10 इंटू एल कितना है भाई, हाँ ये बात जो है थोड़ा क्वेश्चन में, अब हमको क्वेश्चन को चेकआउट जरूर करना पड़ेगा क्योंकि हाँ क्योंकि यहाँ पे लेंथ जो है गिवन नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पे क्या है लेंथ गिवन नहीं है। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ भाई, एक बार क्या है मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ भाई, वन मिनट आप लोग क्या है, तब तक के लिए क्या है आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे, इस क्वेश्चन को हम तब तक होल्ड कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन का आप लोग आंसर करें भाई। अगले क्वेश्चन का क्या है आप लोग आंसर करेंगे, व्हेन द सोडियम कार्बोनेट NaCO2 है ना, Na2CO3 इज प्रेजेंट इन द सोयल, अगर सोयल में सोडियम क्या है आपका कार्बोनेट प्रेजेंट है तो एडेड टू रिक्लेम द लैंड थ्रू द लीचिंग प्रोसेस, तो लैंड को क्या है कौन सी लीचिंग प्रोसेस से जो है आप क्या करेंगे भाई रिक्लेम करेंगे या फिर सही करेंगे भाई। चलिए इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर करेंगे तब तक, चलिए भाई इस क्वेश्चन का आप लोग क्या है आंसर कर देंगे। चलिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, जिप्सम जो है काफी लोगों ने आंसर किया है, और लोग बताएंगे भाई, और लोग भी बताएं, और लोग बताएं भाई, सारे लोग जो है भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करें भाई, और सेशन को अगर पहली बार जुड़े हैं भाई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें भाई। यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन की जो है लेंथ नहीं है, जो कैंटिलीवर वाला सेक्शन था उसकी लेंथ कितनी होगी, ये थोड़ा जो है इसमें बाई मिस्टेक जो है राइटिंग मिस्टेक हो चुकी है जिसको मैं अभी चेक कर रहा हूँ भाई। इसका आंसर बताएंगे सारे लोग इस क्वेश्चन का, सर उसमें 5 मीटर लेंथ होगी तब सी इज राइट। चलिए मैं बता रहा हूँ आपको, आप उस चीज के लिए परेशान मत होइए, हाँ उस क्वेश्चन की जो भाई लेंथ है, उस क्वेश्चन की अगर जो लेंथ की बात करें पिछले क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन की जो लेंथ है भाई, इस क्वेश्चन की लेंथ 5 मीटर है, इस क्वेश्चन की लेंथ कितनी है भाई, इस क्वेश्चन की जो लेंथ है भाई, इस क्वेश्चन की लेंथ है भाई 5 किलो न्यूटन पर मीटर, और इसकी जो लेंथ है भाई वो कितनी है भाई 5 मीटर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, W10 इंटू 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 2।
टू, तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, पांच है ना, पांच पंजे 25 और 25 पंजे 125, तो 125 का करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ से, बिल्कुल सी इज का करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का जो आंसर है भाई, है ना, तो सी इसका क्या है करेक्ट आंसर रहेगा भाई मित्रों। चलिए दसवें क्वेश्चन का जो आंसर है भाई वो क्या है, बी इसका करेक्ट आंसर है, जब हमारी सोयल क्या होती है भाई एल्कलाइन नेचर की होती है, एल्कलाइन कैसी, एल्कलाइन नेचर की, जब हमारी सोयल कैसी रहती है भाई एल्कलाइन नेचर की, तो क्या है उसको रिक्लेम कैसा है, जिप्सम से ही किया जाएगा, किससे, जिप्सम से रिक्लेम प्लस वाटर को मिक्स करके वहां से कर दिया जाएगा, लीचिंग कर देंगे। लेकिन जब क्या है सोयल आपकी एसिडिक रहेगी, एसिडिक रहेगी, तो उस केस में हम इसको लाइम, लाइम से क्या है रिक्लेम कर देंगे, किससे, लाइम प्लस वाटर से, क्लियर है, इसको आप नोट डाउन कर लें यहां से, जिप्सम है ना, यह है आपकी किसके लिए, एल्कलाइन, एल्कलाइन सोयल के लिए, एल्कलाइन सोयल के लिए एन ए टू सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, वैसे ही सोडियम सल्फेट Na2SO4 भी क्या है, ये ब्लैक एल्कलीज रहती हैं, ये हार्मफुल रहता है। चलिए भाई देखिए बेटा, आप लोग उतने लेवल के जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, जितने सेक्शन जितने लेवल के जो है एडोप्टेबल हो, जितने लेवल में जो है हमको भी क्या है थोड़ा बुरा फील नहीं हो भाई, आप लोग अपने दायरे में रहें, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, कमेंट अनवांटेड कमेंट यहाँ पे बिल्कुल ना करें। सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ द बिटुमिन इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग विच मेथड, तो किस टेस्ट से जो है हमारा सॉफ्टनिंग पॉइंट जो है निकाला जाता है भाई। चलिए सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट के लिए फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट, या फिर फ्लोट टेस्ट, या फिर विस्कोसिटी, या फिर रिंग एंड बॉल टेस्ट, या फिर रिंग एंड बॉल टेस्ट। अगर आप अनवांटेड जो कमेंट करेंगे तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा भाई यहां से, ये बात आप ध्यान रखिए। चलिए आप लोग पढ़ने के लिए आए हैं तो पढ़ने वाली बातें ही जो है कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। चलिए भाई चलिए चलिए बताएं, आंसर करें, सारे लोग आंसर करें भाई, क्वेश्चन नंबर 11 का जो है आंसर बताएंगे। हाँ तो फ्लैश एंड फायर ट्विंस जो टेस्ट होता है भाई, प्लेंस्की मार्टिन जो है हमारा एक ऑपरेटस होता है, उसके लिए फ्लैश एंड फायर पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। फ्लोट टेस्ट क्या होता है, फ्लोट टेस्ट हमारा क्या होता है भाई, फ्लोट टेस्ट किया जाता है बिटुमिन की क्वालिटी और ग्रेड को चेक करने के लिए। विस्कोसिटी से क्या है, विस्कोसिटी हमारा अपरेटस होता है जिससे विस्कोसिटी चेक कर दी जाती है, बिटुमिन की विस्कोसिटी चेक कर दी जाती है। एंड रिंग एंड बॉल टेस्ट जो है आपका, वो बिटुमिन की सॉफ्टनिंग जो पॉइंट होता है भाई, सॉफ्टनिंग जो पॉइंट होता है उसे चेक करने के लिए रिंग बॉल ऑपरेटस का प्रयोग जो है यहाँ पे किया जाता है, किसका, रिंग बॉल ऑपरेटस का। चलिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है भाई, चलिए बताएं अगले क्वेश्चन का आंसर करें। द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है द हाइड्रोलिक, बट ये क्वेश्चन जो है लगातार एग्जामों में पूछा जाता है, इसी वजह से जो है मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे एड किया है भाई। द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ऑफ ए सर्कुलर सीवर ऑफ ए डायमीटर डी इज इक्वल्स टू, तो क्या है आपने हाइड्रोलिक रेडियस बतानी है भाई, हाइड्रोलिक रेडियस क्या होगी भाई। योगेश पंत का आंसर आया है यहाँ पे डी, कल्लू जो है हमारे आपका, कल्लू आपका शुभ नाम बताएं भाई, आपका जो यहाँ पे नाम है थोड़ा अच्छा नाम नहीं है, भद्दा नाम आपने डाला है, आप लोग अपना शुभ नाम जरूर बताएं भाई। रितु राणा डेविल हर्ट डी आंसर कर रहे हैं, बुक लवर डी आंसर कर रहे हैं, कुलदीप चौहान डी आंसर कर रहे हैं, DY4। चलिए तो इसका क्या है, कैसे निकलती है भाई हाइड्रोलिक रेडियस आपकी, एरिया अपॉन पेरिमीटर से आपकी क्या है ए बाई पी से जो है आपकी क्या है हाइड्रोलिक रेडियस यहां से निकल जाएगी, है ना। चलिए तो एरिया क्या होता है भाई, पाई बाई फोर इंटू डी स्क्वायर, एंड जो पेरीमीटर रहेगा भाई सर्कुलर सेक्शन के पाई इंटू डी, इसका क्या रहेगा पेरीमीटर रहेगा, तो इससे यहाँ से ये वैल्यूज जो है कैंसिल आउट हो जाती हैं और वैल्यू आपकी क्या निकल जाएगी भाई डी बाई फोर जो है आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी सर्कुलर सेक्शन के केस में, तो डी इसका क्या है भाई करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए सर
चलिए सोहन, चलिए भाई सोहन जी, चलिए बेहतरीन भाई, चलिए सोहन आपका नाम है, चलिए सोहन बहुत बढ़िया आप आंसर कर रहे हैं भाई, है ना, बट जो है आप लोग थोड़ा मर्यादा में रहे हैं, है ना। चलिए चलिए भाई बताएंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द साइड स्लोप ऑफ चिपलोटी, जो आपका वेयर है भाई उसका साइड स्लोप जो है आपने यहां से बता देना है। ये क्वेश्चन जो है लगातार यूकेपीएससी जेई में भी दो बार पूछा गया है और हमारे अदर स्टेट्स के एग्जाम्स में भी पूछा गया है, एनएचपीसी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, NAWD नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी में ये क्वेश्चन आया है, तो इस वजह से चलिए इसका आंसर बताएं क्या होगा भाई, ए होगा या फिर बी या फिर सी या फिर डी। चलिए भाई बीस का आंसर कर रहे हैं बहुत सारे लोग, बीस का आंसर कर रहे हैं बहुत सारे लोग, चलिए भाई बीस का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मेज रिक्वायर्स अबाउट 8 सेंटीमीटर ऑफ वाटर आफ्टर एवरी 20 डेज, अगर जो आपकी मेज है भाई मक्का है वो क्या है भाई वाटर रिक्वायर्ड करती है, क्या है आपकी आफ्टर आफ्टर जो है एवरी 20 डेज के बाद जो है वाटर रिक्वायर करती है कितना 8 सेंटीमीटर का, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा, तो कितने पीरियड के लिए है ना एवरी जो है 20 डेज में और कितना भाई, तो वैल्यू आपने निकालनी है 120 डेज के लिए, ये वैल्यू यहां से मिस हो चुकी है तो आप यहां से नोट डाउन करें, तो 120 डेज के लिए क्या है आपने यहां से वैल्यू निकालनी है भाई, 120 डेज के लिए क्या है आपने यहां से वैल्यू निकालनी है भाई, तो आंसर कर देंगे भाई, मोहित मखलोगा बी, योगेश पंत बी आंसर कर रहे हैं भाई, और लोग आंसर बताएं भाई, और लोग सारे आंसर करेंगे जी बताएं, और लोग भी भाई आंसर करते रहे हैं। चलिए भाई बताएं, सिर्फ दो लोगों का आंसर आया है भाई, और लोग भी आंसर करें भाई, बी आंसर कर रहे हैं, और लोग बताएं ए होगा 40 सेंटीमीटर, बी 48, सी 36 या फिर डी 45 सेंटीमीटर। चलिए भाई बताएं 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 आंसर बताएं भाई इसका, ये कह रहा है कि इफ ए मेज रिक्वायर्स 8 सेंटीमीटर, कितना 20 दिनों में कितना भाई 8 सेंटीमीटर, तो क्या है और टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं भाई 120, तो 120 को डिवाइड कर देंगे किससे, यहां से 120 को कितना एवरी 20 दिन में पानी डाल रहा है 8 सेंटीमीटर का, तो यहां से वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी कितनी 6, एंड कितने टाइम्स डाल रहा है, जो विड्थ है एक बारी में कितनी है भाई 8 सेंटीमीटर की है, तो यहां से 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका 48 यहां से आंसर आ जाएगा और बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, बी इसका क्या है करेक्ट आंसर यहां से आ जाएगा भाई, है ना। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, द रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट सच एज यंग्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस
के इज गिवन बाय, तो इन सब का आपको क्या है रिलेशन बताना है भाई, इन सब का आपको क्या है भाई रिलेशन यहां से बताना है। चलिए ए बी सी डी कौन सा इसका आंसर होगा वो आप लोग जल्दी से जो है कमेंट सेक्शन में बताएं। और भाई अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में भाई एक बार वीडियो को जरूर लाइक करें, लाइक जो है बहुत कम बच्चों ने जो है भाई सेक्शन को सेशन को हमारे लाइक किया है, कम विद्यार्थियों ने जो है इस सेशन को लाइक किया है, तो भाई एक बार आप सारे लोग एक बार इस सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा भाई, है ना। चलिए भाई बताएं ए आंसर कर रहे हैं अधिकतर जो है कमलेश चौहान, कमलेश चौहान जो है आप आंसर कर रहे हैं ए, तो ए इसका करेक्ट आंसर जो है बिल्कुल ए इसका क्या है भाई करेक्ट आंसर है, इसका जो रिलेशन है 9kg अपॉन क्या है भाई 3k प्लस जी, जो इसका रिलेशन होता है और भी रिलेशन होते हैं भाई e equals to क्या होता है भाई 2k 1 प्लस जी और नहीं सॉरी 1 प्लस म्यू 2g यहां से 2g एंड इक्वल्स टू 3k 1 माइनस 2 म्यू, तो ये क्या है अलग अलग आपके फॉर्मूलाज हैं और ये रिलेशन है जो लगातार जो है भाई एग्जामों में पूछे जाते हैं भाई। चलिए चलिए ये तीनों इसके एग्जाम्पल हैं भाई आंसर हैं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। अकॉर्डिंग टू IS कोड 4954 1968 द एक्सेप्टेबल आउटडोर नॉइज लेवल इन अर्बन रेजिडेंशियल एरिया इज, शहरी जो रेजिडेंशियल एरिया होते हैं भाई उसके लिए क्या है भाई आपका जो साउंड लेवल है नॉइज लेवल है वो कितना होना चाहिए, ए बी सी या फिर डी बताइएगा आप सारे लोग। चलिए सारे लोग इसका आंसर करेंगे भाई, बताएं भाई, चलिए भाई बताएंगे सारे लोग आंसर करेंगे भाई। सी इसका आंसर आया है, एक विद्यार्थी का जो है जी सी इसका आंसर बता रहे हैं सी, और लोग भी आंसर करेंगे भाई, और लोग भी क्या है इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे, और लोग भी क्या है भाई इस क्वेश्चन का आंसर यहां पे कर देंगे भाई। जल्दी आंसर करें भाई, थोड़ा इस जो आपकी स्पीड है वो काफी स्लो है भाई, तो आंसर जो है आप लोग थोड़ा क्विक टाइम में करें, इसलिए जो है क्वेश्चन का जो क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं वो भी कम सॉल्व क्वेश्चन हो पा रहे हैं यहाँ पे। तो जितने जल्दी आप लोग आंसर करेंगे उतने जल्दी जो है मैं यहाँ से सॉल्यूशन आपको बता दूंगा, है ना। तो अभी बहुत लेट आप लोग लगा रहे हैं, इतना टाइम तो बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए भाई। तो सी इसका करेक्ट आंसर है, आप नोट डाउन कर लें, है ना। चलिए तो जो आपका IS कोड है भाई, इस IS कोड के अकॉर्डिंग ये वैल्यू है, और ये नॉइज वगैरह के लिए हमारा जो पॉल्यूशन है पॉल्यूशन के लिए हमारा IS कोड है भाई, इसको आप नोट डाउनलोड कर सकते हैं, अवेलेबल मिल जाएगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट लेंथ LD इज गिवन बाय, तो डेवलपमेंट का जो फॉर्मूला होता है डेवलपमेंट लेंथ के लिए, तो ये वैल्यूज आपकी दी है 5σs अपॉन 4τvd, पहला जो आपका एग्जांपल है वो है भाई 5σs अपॉन 4τvd τvd, सेकंड है भाई आपका 5σs अपॉन 6τvd अपॉन 6τvd, टाउ बी डी क्या है यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेस है, सिग्मा एस आपका क्या है भाई जो है बॉन्ड शेयर स्ट्रेस, बॉन्ड शेयर स्ट्रेस है आपका, और जो फाई है फाई इज द डायमीटर, फाई क्या है भाई डायमीटर। अब सिंपल क्वेश्चन के जो है आप लोग आंसर बहुत जल्दी कर देते हैं, और जो थोड़ा टफ क्वेश्चन है तो इसका आंसर रहेगा 5σs अपॉन 4τvd, और ये जो वैल्यू है ये वैलिड है आपके लिए किस सेक्शन के लिए, WSM के लिए। अगर यही वैल्यू अगर आपकी क्या है ये प्लेन बार के लिए, अगर आपकी बार कैसी है भाई, बार कैसी है आपकी, बार है आपकी HYSD बार, तो उसके लिए ये फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 5
5 सिग्मा एस अपॉन 6.4 टाउ बी डी। टाउ बी डी की वैल्यू जनरली हम 1.2 रखते हैं, इस वजह से ये वैल्यू आपकी आ रही है M20 ग्रेड के लिए। अदर अदर वैल्यूज के लिए अलग अलग वैल्यूज रखी जाएगी। वैसे ही अगर जो है आप वैल्यू को अगर बताएंगे कंप्रेसिव जून के लिए, अगर वैल्यू को बताएंगे, हाँ अगर आप कंप्रेसिव जून के लिए बताएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 5 सिग्मा एस अपॉन 5 टाउ बी डी। क्या हो जाएगी? 5 सिग्मा एस अपॉन 5 टाउ बी डी, ये हो जाएगी आपकी कंप्रेसिव जून के लिए। 25% इंक्रीज हो जाएगा, HYSD बार्स के लिए 60% यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिलेगा भाई बॉन्ड स्ट्रेस में। चलिए चलिए भाई अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, द प्रोग्रेसिव रिमूवल ऑफ सोयल फ्रॉम द बीनीथ ऑफ द फाउंडेशन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर लाइक डैम्स, बैराज, ETC ड्यू टू द रेजिड्यूअल सीपेज फोर्स इज नोन एज। तो इसका आंसर करेंगे अक्षय राणा, HYSD 60% इंक्रीज, कंप्रेशन के लिए 25% इंक्रीज होगा। बिल्कुल सही होगा भाई अक्षय, आपका स्वागत है यहाँ पे आज के लाइव सेशन में। चलिए भाई रितु राणा इसका आंसर कर रहे हैं, मोहित मखलोगा, योगेश पंत भी इसका आंसर कर रहे हैं और लोग भी इसका आंसर करते रहेंगे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर करते रहेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को एक एक करके सारी बातों को एक्सप्लेन यहाँ पे कर दूंगा। एलिमिनेशन आप कैसे कर सकते हैं वो ट्रिक भी जो है आपको बताई जाएगी। हाँ लवी धीमान बी आंसर कर रहे हैं, शैलेंद्र तिवारी इसका सी आंसर कर रहे हैं, सुबोध भट्ट जो है इसका बी आंसर कर रहे हैं। राहुल तलवान बी जो है आंसर यहाँ पे कर रहे हैं। बॉइलिंग एंड जो आपका क्विकसेंड कंडीशन है भाई, बॉइलिंग एंड क्विकसेंड कंडीशन, इसके लिए फॉर्मूला होता है भाई आई क्रिटिकल इक्वल्स टू G-1 अपॉन 1+E से क्या है इस वैल्यू को आई क्रिटिकल की निकाल देंगे जब आपका क्या है क्विकसेंड कंडीशन या फिर बॉइलिंग कंडीशन अगर होगी भाई, है ना। बट लेकिन जो अपलिफ्ट जो प्रेशर होता है, अपलिफ्ट प्रेशर क्या है किसी भी स्ट्रक्चर को क्या है ये जो है मूवमेंट जो है उसमें प्रोड्यूस कराने का काम करता है। बट जो पार्टिकल जब अपलिफ्ट होते हैं, ये आपका कोई डैम है भाई, ये क्या है आपका कोई डैम है, उसके बिलो से जब पार्टिकल इस टाइप से क्या है आप जो अपवर्ड आपका सेक्शन है, अपवर्ड जो है आपका अपवर्ड साइड या डाउनवर्ड साइड जो है, यहाँ से जो है आपके डैम के जो फ्रंट साइड है जहाँ पे वाटर स्टोरेज रहेगा, वहां से जब इस टाइप से पार्टिकल जो है एंड साइड से रिमूव करते हैं तो धीरे 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 ये क्या है एक कैनाल टाइप की फॉर्म कर देते हैं, जिसको क्या कहते हैं भाई पाइपिंग एक्शन जिसे कहा जाता है, इसलिए जो है इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, ए ग्राफ इज प्लॉटेड अगेंस्ट एवरेज इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल वर्सेस टाइम पीरियड। तो एक ग्राफ जो है जो प्लॉट किया जाता है एवरेज इंटेंसिटी किसकी, रेनफॉल की, विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इंटरवल के साथ प्लॉट किया जाता है, उसे आप लोगों ने आंसर में बताना है भाई। चलिए जी बताएं हाइड्रोग्राफ या फिर हाइटोग्राफ या फिर मास कर्व या फिर इवेपोरेशन। चलिए NWDA नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये क्वेश्चन है भाई। चलिए बी इसका आंसर कर रहे हैं आप लोग। देखिए हाइड्रोग्राफ किस चीज के लिए प्लॉट किया जाता है, हाइड्रोग्राफ फ्लड के लिए विद रिस्पेक्ट टू द टाइम और ईयर्स के रिस्पेक्ट में फ्लड जो है आपका हाइड्रोग्राफ इस टाइप से, ये जो है इन जो इनलिफ्ट ये आपका एन्यूटेशन वगैरह इससे शो करता है, टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ता घटता रहेगा। वैसे ही हाइटोग्राफ क्या है, इट इज़ अ टाइम इंटरवल विद रिस्पेक्ट टू द रेनफॉल इंटेंसिटी, इस टाइप से आपके क्या है अलग अलग ईयर के लिए हाइड्रोग्राफ क्या है बनाए जाते हैं इस टाइप से। तो रेनफॉल इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम जो इंटरवल है उसके लिए ये यहाँ पे बनाया जाएगा, तो ये रेनफॉल है यहाँ पे।
मास कर्व क्या होता है, एक्यूमुलेटेड जो है आपकी रेनफॉल होती है, एक्यूमुलेटेड रेनफॉल से जो है आपका जो कर्व फॉर्म होता है उसे क्या कहते हैं भाई, मास कर्व। और इवेपोरेशन क्या है, सरफेस पे जो वाटर के लिफ्ट होने को हम क्या कहते हैं भाई, इवेपोरेशन यहाँ से कहते हैं भाई। तो इसका करेक्ट आंसर बी, इसका बिल्कुल जो है राइट आंसर रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सीवर इज जनरली यूज इन सीवेज वॉटर। तो जनरल जो है कौन सी टाइप का जो सीवेज सीवर है वो हम ले करते हैं सीवेज को फ्लो करवाने के लिए, सीवेज को फ्लो करवाने के लिए किस शेप का जो है हम सीवर लाइन यहाँ पे फॉर्म करते हैं, हॉर्ड शू, सर्कुलर शेप्ड, या फिर एग शेप्ड, या फिर रेक्टेंगुलर शेप्ड, बताएंगे भाई। बी इसका आंसर कर रहे हैं बहुत सारे लोग, चलिए बी इसका आंसर कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन। एक बार भाई पहले सारे लोग आंसर करने से पहले एक बार भाई जो है सेशन है उसको लाइक करें, पहले जो है आप लोगों का इस क्वेश्चन का जो है आंसर मैं उसके बाद बताऊंगा, पहले जितने लोग जो है लाइव है वो बार एक बार भाई वीडियो को पहले लाइक कर दें, पहले जो है वीडियो को एक बार लाइक करें भाई, सारे लोग भाई इस वीडियो सेशन को लाइक कर देंगे। चलिए भाई उसके बाद जो है इस क्वेश्चन का मैं आंसर करूंगा, उसके बाद जो है इस क्वेश्चन का मैं आंसर करूंगा, पहले एक बार सारे लोग जो है इस सेशन को लाइक कर देंगे। चलिए बताएं आंसर बी बहुत लोग कर रहे हैं भाई, एक 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 स्टूडेंट है जिनका नाम योर्स नॉलेज एंड मोटिवेशन, ये डी आंसर कर रहे हैं भाई, डी आंसर कर रहे हैं, ये जो आंसर कर रहे हैं भाई ये डी आंसर यहां से कर रहे हैं। तो भाई इस क्वेश्चन को थोड़ा इसमें एक एक ग्लिच है और एक इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे आपने पॉइंट है जिसको मिस कर दिया है, हाँ तो जिसको आपने मिस कर दिया है वो मैंने बोला है जनरली यूज्ड फॉर सीवेज वाटर। तो जनरली जनरली हम किसको यूज करते हैं भाई, जनरली जब हम यूज करते हैं तो वो हमारा सर्कुलर जो है शेप का कंड्यूट होता है, क्योंकि क्या है इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं किसी भी पार्टिकल के फंसने के या फिर डिपॉजिट होने के, इस वजह से सर्कुलर जो आपका सीवेज जो सीवर है कंड्यूट है भाई, सीवर है उसको हम यूज करते हैं जनरली। एग शेप्ड का जब आप कंबाइंड जो आपका फ्लो होता है भाई, कंबाइंड जो है कंबाइंड जो फ्लो होता है आपके सीवेज का, उसके लिए इसका प्रयोग जो है एग शेप्ड का किया जाता है। चलिए आई होप आप सभी का ये डाउट क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए भाई तो एक बार सारे लोग भाई जो है वीडियो को लाइक कर दें। चले अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है भाई, मैक्सिमम नंबर ऑफ वेन्स इज प्रोवाइडेड इन। तो सबसे ज्यादा जो वेन्स हैं भाई, जो वेन्स हैं सबसे ज्यादा वेन्स कौन सी टरबाइन में प्रोवाइड किए जाते हैं, पेल्टन व्हील, फ्रांसिस टरबाइन, या फिर कैपलान टरबाइन, या फिर प्रोपेलर टरबाइन। चलिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे, इस क्वेश्चन का भी क्या है आप लोग यहां से आंसर कर देंगे भाई। तब तक जो है हम थोड़ा जल ग्रहण कर लेते हैं, आज मेरा फास्ट है भाई इसलिए। चलिए भाई बताएंगे, बताइए आप सारे लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, ए इसका आंसर आ रहा है, A, 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 C, D, A, और लगभग जो है काफी लोगों ने गलत आंसर किया है इसका। चलिए सुबोध भट्ट, हर हर महादेव, हाँ जय शंकर महाराज, चलिए हर हर महादेव भाई, चलिए ए इसका आंसर कर रहे हैं बहुत सारे लोग, हाँ डी इसका आंसर कर रहे हैं, सी इसका आंसर कर रहे हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो आपके वेन्स होते हैं भाई, वेन्स किन्हें कहते हैं, आपने ये देखा होगा ये आपकी क्या है, ये टरबाइन के क्या है, ये इंपल्स टरबाइन है आपकी, और इस पे ये क्या है अलग अलग जो है आपके क्या है वेन्स लगे हुए हैं इस टाइप के, क्या है ये वेन्स है। तो अब क्या है वाटर इसमें क्या है, इस टाइप से इम्पीज किया जाता है आपके जो भी हमारे क्या है, या फिर नोजल के थ्रू, या फिर एक्सियल फ्लो, या फिर है ना टेंजेंशियल फ्लो की मदद से। बट जो नंबर ऑफ जो आपके वेन्स होते हैं मैक्सिमम नंबर किस में होते हैं भाई, फ्रांसिस टरबाइन में,
फ्रांसिस टर्बाइन में क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो वेन्स होते हैं वो रहते हैं, 18 से लगभग 25 जो है इसका आंसर रहेगा। चलिए चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर लेमिनार फ्लो थ्रू ए सर्कुलर ट्यूब। अगर क्या है, जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, एक क्या है हमारा पाइप कंड्यूट है, उसके अंदर जो है सर्कुलर ट्यूब है, उसके अंदर जो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा कैसा होगा, तो आंसर कर देंगे आप ए बी सी या फिर डी, ए बी सी या फिर डी, आंसर बताइएगा। सिविल गुरु आंसर कर रहे हैं ए, राहुल तलवान इसका सी आंसर कर रहे हैं, और लोग बताएंगे भाई बी आंसर कर रहे हैं अक्षय राणा, चलिए योर्स नॉलेज सी, और लोग बताएंगे भाई, सारे लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का। बताइए भाई, चलिए सी सुबोध भट्ट, और लोग भी आंसर करें भाई, लवी दीवान बी आंसर कर रहे हैं, योगेश पंत सी इसका आंसर कर रहे हैं जी, बताएं सारे लोग आंसर करें भाई, चलिए भाई बताइए, सोनू रावत बी आंसर कर रहे हैं भाई, फ्रॉम जीरो टू वेरीज, ये वेरीज क्या है ये बोल रहे हैं, अगर इसका मैं डायग्राम बनाऊं तो जीरो एट द वॉल्स टू मैक्सिमम एट द सेंटर, ये कह रहे हैं वेरीज पैराबोलिकली विद मैक्सिमम एट द सेंटर, तो लीनियरली जो है इस टाइप से अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपको ये कहाँ पे देखने को मिलता है, ये पाइप के अंदर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, राहुल तलवान कह रहे हैं सी इज अंडर, और जो है अगर मैं सी का अगर डायग्राम बनाऊं तो सी का डायग्राम कुछ इस तरीके का रहेगा, इस तरीके का रहेगा, जो कि क्या है करेक्ट जो आंसर है आपका वो ये वाला है भाई। अगर आप इसकी एक इक्वेशन देखना, अगर आप इसकी इक्वेशन देखेंगे तो उसमें जो वैल्यूज रहती हैं वो डिजिट स्क्वायर में रहती है, इस वजह से जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो स्क्वायर में रहेगा। आप नोट्स देखें आपके फ्लूड के नोट्स, तो वहां पे जो मैक्स जो स्ट्रेस की वैल्यू रहती है वेलोसिटी की, उसके लिए क्या है डिस्ट्रीब्यूशन पैराबोलिक रहता है, तो सी इसका क्या है भाई करेक्ट आंसर यहां से रहेगा। एनी डाउट, किसी को कोई डाउट है भाई, किसी को कोई डाउट तो जल्दी बताएं, डाउट आपका क्लियर यहां से कर दिया जाएगा, डाउट जो है आपका यहां से क्लियर कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील फॉर कॉलम सेक्शन, तो कॉलम सेक्शन के लिए आप बताएं भाई परसेंटेज ऑफ स्टील कितना रहेगा, तो क्वेश्चन नंबर 24 के आंसर ए बी सी डी आप लोग आंसर बताएंगे, 6%, 0.8, 0.15 या फिर 4%, तो आंसर कर देंगे जल्दी से, आंसर यहां से आप लोग जल्दी से कर देंगे भाई। चलिए भाई बताएं, बी इसका आंसर कर रहे हैं भाई, चलिए बताएंगे डी, कुछ लोग आंसर कर रहे हैं भाई डी, डी इसका आंसर कर रहे हैं, और लोग बताएं भाई, मैं हर एक पॉइंट को यहां पे एक्सप्लेन करते चलूंगा, आप लोग आंसर कर दें भाई, पहले आप लोग आंसर करें उसके बाद जो है हम इसका आंसर आप लोगों को यहां से बताएंगे। हाँ बी आंसर कर रहे हैं बहुत सारे लोग, कैलाश तिवारी 0.08 जो कि बिल्कुल गलत है भाई, 0.08 नहीं होता है, 0.8% होता है, 6%, 0.8, रमन परमार, राहुल तलवान, देखिए मैं बता देता हूँ आपको 6% क्या होता है, मैक्सिमम जो परसेंटेज होता है, मैक्सिमम जो आपका परसेंटेज होता है कॉलम में वो रहता है भाई 6%, है ना, मिनिमम जो परसेंटेज रहता है भाई वो 0.8% रहता है, 0.8% इज मिनिमम, कितना मिनिमम सबसे निम्नतम, 0.15% जब हम बात करते हैं स्लैब के केस में जो बार्स प्रोवाइड की जाती है, जब बार्स कैसी रहती है भाई प्लेन रेनफोर्समेंट बार रहती है, उस केस में क्या है प्लेन रेनफोर्समेंट बार इन स्लैब, स्लैब में जब प्लेन रेनफोर्समेंट बार रहेगी, और डी जो आंसर है ये है भाई 0.4% ऑफ बीडी, ये है आपका बीम के लिए, बीम के लिए मैक्सिमम परसेंटेज कितना, मैक्सिमम
चलिए, एनी डाउट, किसी को कोई डाउट है भाई तो पूछिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? यस, बढ़िया क्वेश्चन है ये। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू एवरेज शेयर स्ट्रेस इन ए ट्रायंगुलर सेक्शन एट डेप्थ एट एच बाई टू डेप्थ इज। तो एच बाई टू डेप्थ पे बताएंगे भाई, क्या बताएंगे? मैक्सिमम टू एवरेज शेयर का जो रेशियो है वो बताएंगे। चलिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। योगेश पंत ए आंसर कर रहे हैं, जीसी सी आंसर। चलिए बताएं बताएं, ट्रायंगुलर सेक्शन है भाई हमारे पास। सेक्शन कैसा है? ट्रायंगुलर सेक्शन है भाई। चलिए ए आंसर कर रहे हैं योगेश, वाइज मैन ए आंसर कर रहे हैं भाई। चलिए सारे लोग बताएंगे भाई, सारे लोग बताएंगे भाई, आंसर बताएंगे सारे लोग। अभी लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन और ट्रिकी क्वेश्चन मैंने रखा है, तो सारे लोग लास्ट तक जो बने रहे सेशन में, है ना। कभी कभार क्या होता है, एक क्वेश्चन से जो है आप लोगों के सिलेक्शन पे जो है होने के और रुकने के चांसेस बन के आ जाते हैं। डी कुछ लोग आंसर कर रहे हैं, तो ये कह रहा है कि ट्रायंगुलर सेक्शन के एच बाई टू, आपका ट्रायंगुलर सेक्शन ऐसा नहीं है, ये सेक्शन कैसा है भाई? ऐसा है ना, ऊपर से सरफेस से एच बाई टू डेप्थ पे, यहाँ से एच बाई टू डेप्थ पे आपको क्या बताना है? आपको बताना है इसका ट्रायंगुलर सेक्शन का क्या बताना है? शियर स्ट्रेस की वैल्यू बतानी, शियर स्ट्रेस की वैल्यू। तो मैक्सिमम टाउ मैक्स अपॉन टाउ एवरेज, इट इज 4/3 ऑफ टाउ एवरेज। क्या होगा? 4/3 ऑफ टाउ एवरेज। इसके लिए एक फॉर्मूला रहता है, उसको अप्लाई कर देंगे, वहां से ये निकल के आ जाता है। ये वैल्यूज आपको टिप में होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, इन वैल्यूज को आप लोग याद जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे आपका जो है क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच में जो है टाइम जो है कम कंज्यूम होगा भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ ए ट्रायंगुलर ट्राइंगल एट द बेसिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया बताना है आपने ट्राइंगल का, उसके बेस में, बेस में क्या है आपने ट्राइंगल का, क्या है मोमेंट ऑफ इनर्सिया बताना है। मतलब यहां पे आई आई बेस पे, एक तो आपका ये होगा आई एट न्यूट्रल एक्सेस, तो आई एट न्यूट्रल एक्सेस तो आपको पता होगा, आई एट न्यूट्रल एक्सेस तो आपको बिल्कुल पता होगा भाई। बताएं भाई, चलिए बी आंसर कर रहे हैं, बी आंसर कर रहे हैं, कई लोग ए आंसर कर रहे हैं भाई, कुछ लोग ए आंसर कर रहे हैं। चलिए तो आई एट न्यूट्रल एक्सेस की जो वैल्यू होती है भाई, वो होती है आपकी ट्राइंगल के लिए BH³/36, BH³/36। लेकिन आई एट द बेस अगर हम बात करेंगे तो ये वैल्यू आपकी होती है BH³/12, BH³/12। तो यहां से इसका जो करेक्ट आंसर BH³/24 ये किसी का नहीं होता है, BH³/64 ये भी किसी का नहीं होता है, तो बी इसका क्या है भाई, करेक्ट आंसर यहां से रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आई होप ये इस इवनिंग का, मे बी वन मोर क्वेश्चन इज देयर। द अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल ग्रुप 4 सैंड इन लूज कंडीशन। जब आपकी सैंड क्या है भाई, लूज कंडीशन में है, तो उस कंडीशन में आपने क्या है, पाइल ग्रुप की अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी आप लोगों ने बतानी है। तो ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे लेस देन 1, ऑप्शन बी है भाई ग्रेटर देन 1, और ऑप्शन सी है इक्वल टू 1, और डी है नन ऑफ द अबव। तो नन ऑफ द अबव क्या इसका आंसर होगा? चलिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, इसके बाद आप लोगों के लिए लास्ट क्वेश्चन इस इवनिंग का आई होप रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे भाई, रितु राणा लेस देन 1, लवी ए आंसर कर रहे हैं, गोप सिंह गुड इवनिंग भाई। चलिए
सर 25 का आंसर 4/3 हो नहीं सकता, सोनू राउत कह रहे हैं h/2 डेप्थ पे मैं बता रहा हूँ भाई। चलिए आप मेरे को पर्सनली इस चीज के लिए मैसेज कर लें, मैं आप लोगों को बता दूंगा। जो क्वेश्चन में आपको डाउट है उस क्वेश्चन के लिए आप पर्सनल मैसेज करें, मैं आप लोगों को उसके सॉल्यूशन भेज दूंगा भाई। बताएंगे भाई लेस देन वन या फिर ग्रेटर देन वन या फिर इक्वल टू वन या फिर नन ऑफ द अबव। लूज सॉइल के केस में ए आंसर कर रहे हैं बहुत सारे लोग, कुछ लोग बी आंसर कर रहे हैं। तो भाई जब क्ले सॉइल रहती है उस कंडीशन में जो है क्ले सॉइल के लिए ये वैल्यू लेस देन जो है वन रहती है, वैल्यू क्या है लेस देन जो है वन रहती है क्ले के लिए, और सैंड के लिए वैल्यू ग्रेटर देन वन रहेगी। तो इसका आंसर बी आपका करेक्ट आंसर, और ये क्वेश्चन लगातार बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, इस वजह से ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे फ्रेम किया है भाई। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन यहाँ से, चलिए इस क्वेश्चन को कर देंगे, उसके बाद आपकी आज की क्लास ओवर हो जाएगी। व्हेन द कैनाल पासेस ओवर ए नेचुरल ड्रेन एंड एचएफएल ऑफ ड्रेनेज इज मोर देन बेड लेवल ऑफ कैनाल देन द स्ट्रक्चर इज नोन एज। बताएं भाई इस क्वेश्चन का, सिंपल क्वेश्चन है इरिगेशन इंजीनियरिंग का, इस क्वेश्चन का आंसर आप यहां से करेंगे भाई। भाई जिसके लिए इनफ हो गया है वो आप लोग जा सकते हैं, हाँ क्योंकि आपका जो फोन है वो आपके पास में ही है, जिसको पढ़ना है वो लोग इसका आंसर करेंगे। चले भाई बी आंसर आया है, कुछ लोग ए आंसर कर रहे हैं भाई, ए आंसर कर रहे हैं रितु राणा, इसका आंसर कर रहे हैं बी, आलिया उनियाल इसका आंसर कर रहे हैं बी, और लोग आंसर करेंगे भाई लवी धीमान ए, सुबोध भट्ट इसका आंसर कर रहे हैं बी, और लोग बताएं भाई। चलिए सारे लोग आंसर करते हैं इसका। चलिए बात कर रहे हैं कि एक ड्रेन है हमारे पास, ये क्या है ऊपर आपकी ड्रेन है नहीं, कैनाल पासेस ओवर ए नेचुरल ड्रेन, तो क्या है ड्रेन नीचे है भाई, ड्रेन क्या है नीचे है भाई, ड्रेन कहाँ पे है नीचे है। तो ड्रेन आपकी ये रही, ये आपकी ड्रेन है भाई इस टाइप से, और यहाँ पे क्या है आपकी ये कैनाल है, कैनाल ऊपर है, इसका मतलब ये टाइप किसका है भाई, ये टाइप है एक्विडक्ट का, बट ये क्या कह रहा है हाई फ्लड लेवल, जिसका हाई फ्लड लेवल इसके बेड लेवल से क्या है ऊपर है, तो इट मींस यहाँ पे प्रेशरली जो है फ्लो होगा वाटर का, तो प्रेशर फ्लो जब होता है वहां पे साइफोनिक एक्शन डेवलप होता है, इसलिए इसका जो आंसर रहेगा साइफन एक्विडक्ट इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए भाई ठीक है, परमप्रिय विद्यार्थियों आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, आज सावन का पहला सोमवार था, आप सभी को भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे, और भाई वीडियो अगर आप लोग पहली बार सेशन में जुड़े हैं लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें, टेक पाठशाला से जुड़े रहने का आप सभी का धन्यवाद। चलिए फिर मुलाकात होगी भाई, देखो भाई देखो इसको अगर आपको जो है ध्यान में रखना है, इस चीज के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप जब रोड को क्रॉस करते हैं तो वहां पे जो आपका जो हमारा ब्रिज रहता है ब्रिज के नीचे जब आप रोड क्रॉस करते हैं, या आपकी रोड है भाई या आपका क्या है भाई ब्रिज के ऊपर कोई कलवर्ट या फिर क्या है ब्रिज या फिर कोई कलवर्ट है या जो भी है छोटा सा ब्रिज है, उसमें क्या है भाई नीचे से ड्रेन है, नीचे से क्या है ड्रेन है, नीचे से ड्रेन अगर पास कर रही है, और कैनाल, कैनाल क्या है ऊपर से, आपने देखा होगा ब्रिज के ऊपर पाइपलाइन छोटी मोटी पाइपलाइन फ्लो करती है, तो उस तरीके से आप यहां से ध्यान रख लें कि ये जो पाइपलाइन है यही क्या है कैनाल है, इस तरीके से आप ध्यान रखें तो जो आपका जो हमारा नॉर्मल ब्रिज होता है जो रोड पे बना होता है उसको आप ऐसे ध्यान कर सकते हैं कि ये एक्वेडक्ट होता है, ये क्या होता है भाई एक्वेडक्ट होता है बस, जिसमें कैनाल ऊपर और ड्रेन नीचे, कैनाल ऊपर और ड्रेन नीचे, मतलब जो आपके जो पुल वगैरह रहते हैं उसको जो है आप मान सकते हैं कि उसमें क्या है कैनाल ऊपर होगी और ड्रेन नीचे होगी, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं, इसका आंसर आप जो है एक्विडक्ट मारेंगे भाई। अगर आपका डाउट क्लियर है भाई तो सुबोध एक बार बता दें, उसके बाद में सेशन को एंड कर रहा हूं भाई। स्टील की क्लास आप जो है ग्रुप में पूछ लीजिएगा, सर वहां से बताएंगे आप सभी को।
चलिए चलिए ठीक है फिर, शुभ रात्रि आप सभी को, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, और बने रहे हमारे साथ तब तक के लिए, कल के लिए धन्यवाद भाई, चलिए। जी सर।